बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह थोड़ा सा इंसान स्लो फील करता है, ओवरली रिलैक्स्ड फील करता है, बल्कि मेरे ख्याल से रिलैक्स्ड का ऑपोजिट ही फील करता है कि ये क्या हो गया, फिर वर्किंग वीक शुरू हो गया। लेकिन जो लोग मॉर्निंग में जुगन रेगुलरली देखते हैं वो इस एक्साइटमेंट में होते हैं कि फिर दो दिन के गैप के बाद हमारी मुलाकात होगी। सो आई होप कि आप सबकी मंडे मॉर्निंग अच्छी गुजर रही होगी। और हमने आज आपकी सुबह को मज़ीद और खुशगवार करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज़ आपके लिए रखा है। हमारे मुल्क के एक लेजेंड आर्टिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात ज़रूर आपसे करना चाहूँगी। व्यूअर्स, हम जब किसी भी स्टार को या सुपरस्टार को देखते हैं तो हम सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि वो एक बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस स्टार के लेवल पे पहुंचने के लिए कितना लंबा और कितना कॉम्प्लिकेटेड सफ़र जो है उसको तय करना पड़ता है। एक जर्नी होती है जिसमें अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं, और उसके साथ साथ अपनी फैमिली, अपने घर वालों सबको साथ लेके चलना होता है। और हम जो आर्टिस्ट लेजेंड के लेवल पे, लिविंग लेजेंड के लेवल पे पहुंच जाते हैं, उनको अप्रिशिएट तो करते हैं, उनके साथ सेल्फीज तो खींचते हैं, लेकिन हम मेरे ख्याल से उस लेवल की उनको रिगार्ड नहीं देते जो हमें देनी चाहिए। लेकिन आज जो आर्टिस्ट हमारे साथ हैं उनको बच्चा बच्चा, बुज़ुर्ग, यूथ, हर बंदा रिकग्नाइज करता है। एंड बाय द वे, सुपरस्टार आर्टिस्ट तो वो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक कामयाब बिजनेसमैन, अ वेरी सक्सेसफुल फैमिली मैन और एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। क्योंकि जितना सोशल वर्क में, जितना फिलैंथ्रोपी में इनका हाथ है, मेरे ख्याल से कम ही आर्टिस्ट का होगा। लेकिन ये वो वाली पर्सनालिटी हैं जो एक हाथ से किसी के लिए कुछ करते हैं, दूसरे हाथ तक को पता नहीं चलता, तो हम मीडिया वालों को कहाँ पता चलेगा। लेकिन क्योंकि उनके साथ बहुत प्यारे मरासिम हैं, इनकी फैमिली के साथ बहुत ही प्यारे फैमिली टर्म्स हैं, तो इसलिए गाय बगाए पता चलता रहता है कि ये क्या क्या पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। व्यूअर्स, मेरी हमेशा एक ही ख्वाहिश, एक ही रिक्वेस्ट रहती है व्यूअर्स से कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो स्टार्स हैं, उनको अप्रिशिएट करें। और फिर जब उनकी अगली जनरेशन आगे आती है, जब अगली पौध आगे आती है, तो हम उनको सपोर्ट करें, ना कि हम नेगेटिव बातों की तरफ जाएं। पिछले दिनों भी मैंने इस बात पे कमेंट किया था कि मुझे बहुत बुरा लगा कि नुमान जाज के बेटे जावियार जब आगे आए एक्टिंग की फील्ड में, तो बहुत से लोगों ने तो सपोर्ट की, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा ये तो नेपोटिज्म है, क्योंकि बाप एक्टर है तो बेटा भी इस फील्ड में आसानी से आ गया। व्यूअर्स, मेरी पर्सनल राय ये है कि जब एक इंसान, एक आर्टिस्ट होता है, एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट होता है, तो जब उसकी औलाद आगे आती है तो उसको तो और ज़्यादा टफ टाइम मिलता है। और वो टफ टाइम क्यों मिलता है? क्योंकि उनका कॉन्स्टेंटली एक सुपरस्टार के साथ मुकाबला लगाया जाता है जो एक्चुअली उस शख्स को नहीं फेस करना पड़ता। आप देखें कि जब आलम लोहार साहब के बेटे आरिफ लोहार, हमारे लिविंग लेजेंड जो हैं, जब वो इस फील्ड में आए तो बहुत से लोगों ने उनको उनके अब्बू से ही कंपेयर किया, लेकिन आरिफ साहब ने अपनी जगह बनाई। और मैं ये बड़े सूख के साथ और बड़ी वो जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रही हूँ कि उनकी जर्नी कोई आसान नहीं थी, वो एक बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजरे। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी व्यूअर्स के, आइए किचन में हमारे साथ मेरी प्यारी सी शेफ नाजिश भी हैं, उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं, कहीं बातचीत में मिस ना हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा नाजिश, ये बताइए कि आज हम हमारे जो गेस्ट हैं उनके लिए क्या तैयार कर रहे हैं? आज हम उनके लिए एक मीठा तैयार कर रहे हैं, बोनोफाई, जो बनाना से बनेगी। ओह, बनाना टॉफी पाई, जिसको बनाफी। हाँ बिल्कुल सही थे। ओके, एंड ये क्या है? ये ब्रेकफास्ट है जो वो, हाँ जी, ये कुछ ऐसी ब्रेकफास्ट की चीजें हैं जो हम यूटिलाइज करेंगे। देखें, बीइंग अ सुपरस्टार, बीइंग अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट, बीइंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बीइंग अ फैमिली मैन, ये भी तो जानना जरूरी है कि क्या उनको खाना पीना बनाना आता है। तो शायद आज हम पराठे और अंडे बनवाएंगे अपने लेजेंड आर्टिस्ट से। एंड बाय द वे, उनके साथ उनके एक फैमिली मेम्बर ऐसे हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं जिनकी इंडिविजुअली मैं बहुत बड़ी फैन बन चुकी हूँ। उनके बेटे आ रहे हैं, चले इतना मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, लेकिन उनसे आगे जाके मुलाकात होगी। अभी बुलाना चाहूंगी हमारे मुल्क के एक ऐसे स्टार जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता है, उनको वेरियस डिफरेंट अवार्ड्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मिल चुके हैं, प्लेबैक की दुनिया में उनका नाम जो है, उनका सबसे शायद बड़ा नाम है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत बात नहीं होगी। मिल्ली नगमे उन्होंने इतने खूबसूरत गाए हैं, उसके अलावा एक इतने कामयाब बिजनेसमैन है,
हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार बारिश बेग। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, द ग्रेट द ब्रिलियंट वारिस बेग हमारे साथ हैं, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े अरसे बाद इस तरह मुलाकात हो रही है। काफी अरसे बाद। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल क्या मसरूफियात हैं। हमने आपको नया सॉन्ग करते हुए बड़े अरसे से नहीं देखा, तो किन कामों में मुब्तिला थे आप? 3-4 महीने से मैं अमेरिका में था। मतलब आपको कोविड की पीक ही मिली थी अमेरिका जाके बैठे? नहीं नहीं, वहाँ पे कोविड नहीं था। ऑनेस्टली मैं बताऊँ आपको, जितना पाकिस्तान में ज़्यादा इसका कर रहे हैं वहाँ इतना नहीं था। शॉपिंग भी हो रही है, लेकिन वो मास्क लगा के करते रहते थे लोग। यहाँ पे यहाँ से बहुत बेहतर है। दूसरा ये कि अमार के साथ एक डुओ किया मैंने बहुत सालों के बाद अपना वीडियो। अमार इनके एल्डेस्ट सन है, और जैसे कि वो खुद आपको बताएंगे कि इनके प्रॉब्लम चाइल्ड हैं, जैसे कि खुद कहा है अमार ने। अभी अमार से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। अमार की भी एंट्री अपने अब्बू की तरह गाने पे ही होगी, लेकिन ज़रा हमने कहा थोड़ी सी इनसे बात कर लें, क्योंकि जब ये दोनों बैठ जाएंगे तो फिर अमार अमार ही होना है। तो मैंने कहा ज़रा हम थोड़ा सा मिस्टर वारिस पे भी फोकस कर लें। तो वो काफ़ी सालों के बाद एक वीडियो शूट किया मैंने अमार के साथ, इस अडो सन एंड फादर, और हॉलीवुड में शूट किया, लॉस एंजल्स में। 3 वीडियो शूट किए हैं मार के, 2 उसके अपने ओरिजिनल हैं और एक मेरे साथ उसका डुओ है। आई थिंक इज द फर्स्ट आर्टिस्ट जिन्होंने जाके हॉलीवुड में एक्चुअली गाने शूट किए ना। ये बड़ा उस पे अलग बड़ा करम है। नहीं, उसके अब्बा का भी उस पे थोड़ा करम है, अल्लाह ताला का तो करम है ही है, लेकिन अब्बा ना लेके जाते तो मुश्किल होना था। नहीं, बहुत अच्छा। बाहर से पढ़ के आए हैं मार? मार ने बाहर से पढ़ा है और बाहर ही रहा अमेरिका में ज्यादा, और फिर बड़ी मुश्किल से, आपको सारी बात का पता है, मुश्किल से यहाँ बुलाया घसीट के कि एक बार आ जाओ। मैं ये चाहता था कि अच्छा आर्टिस्ट है, और उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि एक साल मुझे दे दो अपनी ज़िंदगी का। तुमने बहुत ज़्यादा बाहर गुजार लिए साल, और बहुत ज़्यादा बाहर मेहनत कर ली, पढ़ भी लिया, जॉब्स भी कर ली। अच्छा, मेहनत पे हंस रहे हैं। तो मार से पूछे कि वो हम क्या मेहनत कर रहा था जब वो आएगा। तो मैंने उसके बोला कि आ जाओ। तो बीच में कोविड आ गया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। तो वो फिर इसको आना पड़ा यहाँ पे। ज़बरदस्ती। तो उसके बाद हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया म्यूज़िक के ऊपर, इसके म्यूज़िक पे। तो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि आप जैसे आप बात करी थी इंट्रो में कि जो मशहूर वालदैन होते हैं, जैसे हमारे ड्रामा आर्टिस्ट नुमान एजाज, बिल्कुल वो मेरे लोहार हैं। अब आरिफ लोहार है, आरिफ भाई के भी तीनों बेटे जो हैं वो लोग ये समझते हैं ये पॉलिटिशियन जैसे होते हैं कि उनका बेटा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। फन में ऐसा नहीं होता, वो एकदम से एक्सपोज हो जाता है बंदा। तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो आम जो ऐसे गा रहे होते हैं उनके लिए इतनी वो नहीं है। क्योंकि देखें, कोई गाना बनाया, वो वायरल हो गया, चल पड़ा, ये तो किस्मत के खेल होते हैं। लेकिन जब किसी स्टार का बच्चा कोई काम करता है तो लोग लिटरली मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के, दूरबीनों से लेके मैग्नीफाइंग ग्लास तक उसको उस लेवल से देख रहे होते हैं कि भाई उसी ये बाय द वे एक मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती है। लोग कहते हैं नेपोटिज्म के थ्रू एंटर हो जाते हैं। देखिए, जिन लोगों के फॉर एग्जाम्पल व्यूअर्स, जिन लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं फॉर एग्जाम्पल, उनके भी पास भी तो फिर वसाइल होते हैं ना, और वो अपने बच्चों को ले आते हैं। अगर आपने अपने बेटे को अपने एक उस्ताद के नाते सिखाया, बाप होने के साथ साथ, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है? मैं बड़ा सख्त उस्ताद हूँ पहली बात, और मैं अगर यहाँ पे हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शायद लोगों को पता नहीं होगा, मैंने इंट्रोड्यूस कराया उनको, वो अच्छे थे, तो आज वो उसमें वीना मलिक है, उसमें निर्मा है, उसमें मीरा का गाना मेरी फिल्म में कल शब देखा मैंने गाया उसके साथ। मलकू को कोई नहीं जानता था, उसको मैं ले गया, अच्छा था। तो आज लोग ऐसा तो 100 लोग मुझे फ़ोन करते हैं, जी वारिस भाई हमें गवाएं, ये करें। मैं सुनता हूँ उनको, ओबियसली जो भी स्ट्रगल कर रहा होता है उसको सुनना चाहिए, इस काबिल हो तो उसको ज़रूर लेके आना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ है, जब अल्लाह ने हमें इतना नाम दे दिया तो हमारा फ़र्ज़ है, वी हैव टू पे बैक आवर कंट्री। हमें अपने मुल्क को भी वापस करना है, जो हमारे मुल्क के आर्टिस्ट हैं जो नहीं आगे आ सकते, तो उनको उनका हक दिलवाना। तो मैंने हमेशा ये काम किया कि जो अच्छे लोग हैं उनको हमेशा मैं आगे लेके आया हूँ। अमार की जो बात है,
मैं समझता हूँ ये मेरे जितना भी गाता ना तो मैं इसको इंट्रोड्यूस ना कराता, मुझसे बहुत अच्छा है ये। लेकिन शायद अमार का उतना रुझान नहीं था इस तरफ जितना आपका रुझान था कि ये आए, ये क्या बात है? ये मैं भी अमार से भी पूछूंगी उसकी। सम टाइम लोगों को ये पता नहीं होता कि उसमें कितनी क्वालिटी है, किसी और को हीरे को तो नहीं पता ना, उसको तराशना पड़ता है कि ये हीरा है। इसको अभी मैं अभी इसको मैं आप कहूँगा कि आपको एक इसने, हम ऐसे ही सोए हुए थे, मैं उठा तो सुबह मुझे कहते पापा मैंने एक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाया। आज तक अब देखो एक बच्चा अमेरिका से है लेकिन उसकी लगन पाकिस्तान के लोगों से है, पाकिस्तान की मिट्टी से है, कि हमारे जितने भी यहाँ पे खां साहब हैं, हुसैन बख्श गुल्लू, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा उनका, जो नई नस्ल है उनको नहीं पता होगा, मेहदी हसन साहब हैं उनका पता होगा, ग़ुलाम अली साहब हैं, नुसरत अली खान साहब हैं, राहत फ़तेह अली खान, मैंने इनको ट्रिब्यूट दिया। ट्रिब्यूट एक ही उसमें इसने उसको दे दिया, मतलब 5-6 मिनट में। तो ऐसा करते करना चाहते हैं कि ब्रेक के बाद अमार को बुलाते हैं, बल्कि अमार भी एंटर होंगे अपने सॉन्ग पे और देखते हैं कि कौन सा वाला सॉन्ग एज अ ट्रिब्यूट वो पेश करते हैं अपने व्यूअर्स को। और बाय द वे बहुत से नए उनकी वीडियोस भी आने वाली हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स हैपनिंग, उन पे भी हम बातचीत करेंगे। और ये जो एक बाप बेटे का एक रिश्ता है, एक ताल्लुक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब आप उस्ताद भी उसके अंदर डाल देते हैं इक्वेशन के, तो ये मुश्किल है। सबसे ज़्यादा मुश्किल उसको मेरे सामने गाने में होती है, ऑनेस्टली किसी से नहीं घबराता वैसे, क्योंकि मैं इसको बड़ा क्रिटिकली देख रहा होता हूँ। और दूसरा ये जब गाएगा तो ये नहीं होगा जी मेरा गला खराब है, मैं नहीं गा सकता, वो ये लाइन मैंने इतनी दफा मॉर्निंग शो में सुनी है। और बाय द वे देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट व्यूअर्स, मैं आपको बता नहीं सकती, जो खुद रिक्वेस्ट करके आते हैं कि जी हमारी कोई नई चीज़ आ रही है, हम चाहते हैं कि हम उसको शेयर करें। और ऑब्वियसली जब आपके पास प्लेटफॉर्म है आपका फर्ज बनता है कि आप उनको अकोमोडेट करें, लेकिन जब आ जाते हैं तो कहते हैं मेरा गले में दर्द है तो मैं गा नहीं सकूंगा या गा नहीं सकूंगी। ये आपको नहीं कहेगा गले में दर्द है? हाँ, क्योंकि उसका गला घोट दिया जाएगा। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अमार की एंट्री से आएंगे और फिर अमार से पूछेंगे कि कितने को सख्त उस्ताद हैं वारिस बेग। हमारी जिंदगी में हर रोज एक नई सुबह आती है, हमारी आंखों में झिलमिलाती और मुस्कुराती, हर सुबह हमसे कहती है उठो कि आज एक नया मकसद पाना है, आज कुछ नया सीखना और सिखाना है और अपनों का हाथ बटाना है। तो कीजिए अपनी सुबह का आगाज ए प्लस के साथ 10 to 12 मंडे टू फ्राइडे, देखना मत भूलिएगा मॉर्निंग विद जुगल। खाला सदके मैं वारी, मुझे कहते हैं मैं आपको क्या बुलाऊं, मैंने कहा अगर मुझे जुगन या जुगन जी कहना, अव्वल तो कि हमारा बहुत ही तमीज़दार बच्चा है। यू नो व्यूअर्स, जब कोई आपके सामने बड़ा होता है ना तो आपकी एक डिफरेंट लेवल ऑफ मोहब्बत और प्यार होती है उस इंसान के लिए। एंड हमेशा से इसकी तारीफ सुनते थे इसके अब्बू और अम्मी के मुँह से, आज इस प्लेटफॉर्म पे देख के बहुत खुशी हुई। आ जा मेरी जान, दिस मींस अ लॉट टू मी, थैंक यू, यू आर अ स्वीट हार्ट। अजी आप इनको जानते हैं? हाँ जी, अभी इस लड़के को एक साल पहले जाना है इसको, एक साल पहले आपने पहचानना शुरू किया है, क्यों नस गए थे भाई वापस आने से, क्यों इनकार किया था? थोड़ी सी लाइफ में कुछ मसरूफियात थी, आई वॉज स्टडिंग, बिजी था काम शाम, तो उसकी वजह से मैं सच बोलूँ तो डिस्ट्रैक्शंस थी, बट मेरे अंदर जो म्यूज़िक का एलिमेंट जो कीड़ा था वो उजागर ही था। कैन आई से समथिंग? आपने माइंड नहीं करना, लेकिन आपने जब कहा ना कि आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है, तो मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि माशाल्लाह है। प्लीज प्लीज, ब्यूटीफुल डांसर। मैं आज जो भी हूँ, इट्स बिकॉज़ ऑफ माय डैड। ऑफ कोर्स, बट एक बात बताऊँ, जब अगली जनरेशन ज्यादा टैलेंट के साथ आगे आती है ना, देखिए वाले साहब आपको वो उस लेवल की फैसिलिटीज और चीजें नहीं प्रोवाइडेड थी, आपको उस लेवल की फाउंडेशन और बेस बनाने का उस लेवल पर मौका नहीं मिला, आपने जो किया आपने अपने उसके ऊपर किया। अमार को ग्रूम करने का मौका मिला और देखें कि किस ब्रिलियंस के साथ ये आगे आया है, माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही, माशाल्लाह। अच्छा चले, अब मैं ऑन एयर मानती हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि वापस आ जा। सही। अच्छा, ये कॉन्वर्सेशन हुई कैसे? अब आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, इन्होंने फोन किया, आपने फोन किया, कोई बात की गुफ्तगू हुई कैसे कि हुन वापस आ जा? मैम नहीं, एक बार थोड़ी कहा,
नहीं, फाइनल जब मान गया ना, साल में दो बार अमेरिका जाता था, साली तो मानी नहीं, कभी तो मानेगी, तो अब माना कैसे हमारा लड़का? लाइफ में आई थिंक वो आपकी ट्यूनिंग हो जाती है। काफी अर्से से मेरी बात चल रही थी पापा के साथ, तो मुझे आना पड़ा छोटे भाई की एक काम के लिए आना पड़ा मुझे। तो लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी एक डायरेक्शन में आ गई, तो मैंने कहा आई थिंक इट्स राइट टाइम, आई थिंक इट्स अब पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस भी काफ़ी एम्प्टी थी। और जब मैं यहाँ पे आया, आप राहत फतेह अली खान के लिए ओपन कर रहे थे, डिफरेंट लेवल्स पे प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म भी कर रहे थे, ये तो नहीं है कि वहाँ पे आपका काम गाने का और मीडिया का रुका हुआ था। मैं बहुत बिजी था वहाँ पे काफ़ी अच्छा मेरा म्यूजिक सीन चल रहा था इंडिविजुअली, वहाँ पे किसी को नहीं पता कि मैं वारिस बेग साहब का बेटा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काफ़ी अच्छा सीन था, बट टू एक्सेल करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मुझे पाकिस्तान आना जरूरी था। अच्छा, क्या वारिस बेग का बेटा होना, ये तो हमें पता है कि बहुत बड़ी बात है, एंड मतलब आई नो कि पता, हर बच्चा अपने माँ बाप से उस लेवल का प्यार नहीं करता, लेकिन आई नो कि आप सब बच्चों का अपने अबू से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन ये चीज़ अभी साइड पर कर दो। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या वारिस बेग का बेटा होना एक पॉजिटिव चीज़ रही है या एक हिंड्रेंस रही है करियर, सिर्फ आपका मतलब इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए? सच्ची बताना। मैंने एक ही चीज़ सीखी है पापा से, वो है सच बोलना। बहुत पॉजिटिव भी है और इसमें हिंड्रेंस भी है। पॉजिटिव इसलिए कि इतने इज़ द बेस्ट टीचर, मुझे जो सिखाते हैं अपना 25-30 साल का एक्सपीरियंस, वो एक मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर मुझे वो बात बता देते हैं। हिंड्रेंस ये होती है कि मशहूर बाप होना एक बात नहीं है, बट अगर वारिस भी है किसी का फादर, इट्स टफ, क्योंकि इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल। बहुत वो कहते हैं कि हम ना कर, मैं आपके लिए कोई फ़ोन कॉल नहीं करूँगा, आपने अपने बलबूते पे करना है, ग्राउंड रियलिटी से करके बुलाया है, वरना तो कह रहे थे कि मतलब ठीक है जब हमने करना होगा कुछ रिलीज तो हम देखेंगे वो करेंगे। आई मीन द पॉइंट इज, आई रिमेंबर के मेनी ईयर्स अगो जब वैसे ही शौकिया प्रोग्राम था, और दिस इज़ बिफोर यू वेंट टू अमेरिका, तो मैंने इनको कहा कि ले आए, तो उन्होंने कहा कि भाई उसको एक सर्टन लेवल पे पहुंचने दो, फिर हम देखेंगे। आपको याद है? बिल्कुल, मैंने इसलिए कहा था कि इतना क्रिटिक, मतलब इतना भी तो टफ नहीं होना चाहिए ना कि अगले का कीमा निकल जाए। ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे भी देखो, मैंने एक रिक्वेस्ट डाल दिया लेकिन पूरी नहीं होनी, कीमा तो निकल। मैं आपको देख रहा था अभी ब्रेक पे जाने से पहले, आप कह रही थी क्या मेहनत की होगी। मैंने वहाँ पे बहुत काम किया अमेरिका में, लोगों को लगता है कि मजाक है। मैं पिज़्ज़ा स्टोर पे काम करता था, मैंने वहाँ पे पिज़्ज़ा भी बनाया, मैंने मॉपिंग भी किया। आई थिंक वो मेरी ट्रेनिंग का प्रोसेस था, वो ये चीज़ें आपको हम्बल करती हैं। अच्छा, और जब ये सारे काम कर रहा था आपको कैसा लग रहा था? गुस्सा नहीं चढ़ रहा था कि क्या कर रहे होते? नहीं, मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि हमारे हुज़ूर पाक ने सबसे सारे काम किए हैं और ये रोल मॉडल हैं हमारे जो नबी हैं, तो मैं चाहता था मेरे बच्चे भी उसी तरह आए। ये नहीं कि वहाँ इनको, मैंने तो गाड़ी में लेके दी, अच्छी से अच्छी गाड़ी वहाँ रखी इसने, लेकिन मैंने इस प्रोसेस से गुजारा पहले कि तुम ये करो, उसके बाद इसको मैंने जो गाड़ी कही इसको मैंने लेके दी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हमारे बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त हैं गोहर भाई, गोहर एजाज साहब का नाम सुना होगा, उनका बेटा MBA करके आया, उन्होंने कहा मैंने उसको पहले जनरल स्टोर खोल के दिया, मुझे यहाँ से पैसे कमा के दिखा पहले, उनको ज़रूरत नहीं है वो ये काम करने की। तो कोई भी बड़े बाप हैं, उनको अगर बच्चों को टेम करना है, उनके लिए ज़रूरी है कि आप उनको पता चलता है कि उन्होंने बड़ों की इज्जत कैसे करनी है। भाई ये पता तो चले ना कि भाई ये नहीं कि आप उसको फरारी ले दी है, इट्स नॉट इजी, या आपने उसको जैगवर ले दी है, या आपने उसको लैंड क्रूजर ले दिया, उसमें बैठ के वो इन्जॉय कर रहा है, उसको पता नहीं कि गरीब बैठा है, एक रिक्शे में बंदा बैठा है, उसको गर्मी भी लगती है, उसको सर्दी भी लगती है, तो इसको इसने ये किया होगा तो उसको एहसास होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। होता ये है कि हम कोशिश करते हैं, बहुत से लोग जो एक सर्टन लेवल पे पहुंच जाते हैं, कि हमारे बच्चों को उस मुश्किल वक्त से और उस रगड़े से ना गुजरना पड़े जिससे हम गुजरे हैं, लेकिन क्योंकि आप उस चीज़ से गुजरे हैं तो आप इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे अगर आप उनको एक कॉटन वुल और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के थ्रू गुजारेंगे। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बाप बेटे की थोड़ी सी रिलेशनशिप पे भी बात करेंगे, कुछ प्लसेस कुछ नेगेटिव्स, ये चीज़ें भी डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है, और फिर इनका एक डुएट भी है वो भी हमने आपके साथ शेयर करना है, कुछ इंडिविजुअल सॉन्ग और भी हैं। उससे बड़ी बात है कि खान साहब को जो ट्रिब्यूट दिया है, मैं वो कहूँगा ये सुनाए। तो फिर मेरे ख्याल से जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम ट्रिब्यूट सुनते हुए आएंगे, सबसे पहले ट्रिब्यूट पेश करते हैं उसके बाद बातचीत करेंगे। Hmm.
सुनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा तेरब करे मैं मर जावा दुनिया तो डर के जे तेनू छड़ जावा तेरब करे मैं मर जावा लबनी नहीं तेरे जई चीज है जहान ते सो तेरी खावात रख के कुरान ते कदी भी जी तेरे कोलो पला मैं छुड़ावा तेरब करे मैं मर जावा मदीसर खान साहब तू मिला है तो ये है Nini sa sa nini sa sa nini sa sa nini sa re nini sa re dha ni re sa nini sa sa nini re re ni sa sa dha ni ma ba dha ni sa ma ba dha ni sa ma ba dha ni sa hangama hai kyun barpa thodi si jo pili hai hangama hai kyun barpa थोड़ी सी जो पीली है डाका तो नहीं डाला डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है हंगामा है क्यों बर्बाद थोड़ी सी जो पीली अब बैठे हैं बाली पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है अब बैठे हैं बाली पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है अब बैठे हैं बाली पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है अब बैठे हैं बाली पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है माय फेवरेट तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था मोहब्बत भी जरूरी थी बिछड़ना भी जरूरी था जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते
मगर फिर आरज़ूओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। हेलो इज मी योर व्यूअर्स, सबसे पहले तो मेरा बेटा मैं सदके में वारी, अल्लाह ताला आपको मजीद और कामयाबी दे। अभी आपकी मामा से मैं बात कर रही थी, बाय द वे इनकी अम्मी इनकी मिसेस की सालगिरह है आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा ये करना जरूरी था, थोड़ा चीट पाला ना टीवी से, बट अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू योर ऑसम मदर। एक्चुअली इनके घर की अगर कोई बैकबोन है ना तो दैट इज हिज वाइफ। व्हाट अ फिनोमिनल वुमन, इतना बड़ा दिल। और अभी हम फोन पे यही बात कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, यू आर ऑल्सो अ मदर, यही तो बात है। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग अमार, आप लोगों ने वो अमेजिंग जो अंग्रेजी गाने में एंट्री थी ना, इतनी अच्छी कि उन जैसी दो नहीं चाहिए, दो नहीं चाहिए। पहले तो मैंने कहा कि मुझे तुमने फुफो कहना, तो कहता मैं फुफो नहीं कहूंगा, इन्होंने भी स्यापा डाल दिया ऑनरी बता दे। हमारी बहुत बाद में मेरा पहला जिंदगी का जो इंटरव्यू था इन पाकिस्तानी, मैंने बड़ी दफा पहले कहा मैं फिर आज आप लोगों को बताऊंगी, वॉज वारिस पे। इतने बड़े स्टार सामने मेरे बैठा दिए और कहा इनका इंटरव्यू करें। अब मैं बार बार हिलू, मैंने कहा आई डोंट नो, अच्छा उस वक्त उर्दू भी सही तरह नहीं आती थी, आई डोंट नो बट बट देयर टेलिंग मी टू डू इट इन उर्दू, मैंने कहा रिलैक्स हो काम डाउन, जब आप अपने बाकी बच्चों को भी हम प्यार करते हैं, उनको भी हम दो दो सेकंड देंगे टाइम के, बट द पॉइंट इज इतना सुना और फिर आज एक्चुअली सुन के मैं दो तीन बातें अपने एक वो जो डोरे से कान है उनसे रिलेटेड कहना चाहूँगी। एक, इतना ठहराव इतनी यंग एज पे मैंने नहीं देखा, इतना अमेजिंग मतलब ट्रांजिशन एक आर्टिस्ट से दूसरे आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट पेश करना, एब्सोल्युटली वंडरफुल माय चाइल्ड। मैं तो खैर बहुत ही नालायक हूं, टोन डेफ हूं, बट आई मीन अमेजिंग। लेकिन वो बात ठीक ही थी ना मैंने पहले, बात तो सच है लेकिन रुसवाई की भी नहीं है इसलिए ठीक है। अच्छा अब ये जो दोनों बरखुरदार हैं, इतने जो क्यूट और जैंगोस बन के आए मैं अपने ब्लैक आउटफिट्स के अंदर, जरा इन दोनों की हम तबीयत साफ करते हैं। आप बड़ा बाहर काम करके आए हैं ना, बड़ा काम करके, मुझे मेरा एप्रन चाहिए प्लीज। नहीं एप्रन नहीं मिलना, मूड में आ जाओ, कपड़े हम ड्राई क्लीन करवा देंगे बाद में, खुद ही कराना हमने तो वैसे नहीं देने, लेकिन खैर वो एक और कहानी है। मुझे बताएं कि आप ऑमलेट बनाएंगे पराठा बनाएंगे? पराठा नहीं मुझे बनाना आता, बट मैं ऑमलेट बनाता हूं। ये कौन सा तुम बाहर रह के आज मैं स्लाइस के साथ खाता था ना वो जो, हाय मैं सदके जाऊंगी, हमारे बच्चों की सेहत खराब हो जाती है वहां पे जाके, सिर्फ सिंगल पर ऑमलेट बहुत अच्छा बनाता है। चलिए जी आप ऑमलेट बनाएं। ओके आप इतने अरसे से इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, मैंने कभी जिंदगी में कुछ बनाया नहीं, तुम्हारी खातिर बना लूं उल्टा सीधा जो, चलो मैं मेरी खातिर बना ले, अगर पराठा गोल ना बना तो आगे आप ऐसे करें इसको बनाएं, जैसे कि उन्होंने कहा ना कि मेरी मामा इतनी अच्छी वैसी दो होनी चाहिए तो दूसरी मामा नहीं आएंगी। अच्छा मैं बताऊं, मेरी जो वाइफ है ना वो मुझे हर रोज पराठे बना के देती है दो, लेकिन दो हाँ जी दो खाते खाते हो पराठा में, झूठ ना बोले पूछो उससे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप क्या खाते हैं? मैं भी जो मैंने उसको देखा है बनाते हुए जो आप कहा सकती है ना पापा से, वो कोई मेरे करियर की शुरुआत और मेरे करियर की बर्बादी का सारा क्रेडिट गोल होना चाहिए आपको, पता नहीं गोल रोटियों पे तो बड़े बड़े स्यापे हैं, अल्लाह माफी दे। मेरी बीवी कितनी मुश्किल से बनाती होगी, आज मेरे एहसास हो गया। मैं आपको अंडा ऑमलेट बनाना सिखाता हूँ, ये मेरी मामा की रेसिपी है। मैं जब अमेरिका होता था अकेला तो आई यूज टू, मैं अपने आप को हफ्ते में एक दफ़ा अवॉर्ड करता था अच्छा सा ऑमलेट बना के, क्योंकि पूरा दिन फिर हम इसी पे सर्वाइव करते थे। चले जी क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हम थोड़ा सा नहीं, आपने अगर इसको हेल्प किया ना इधर मैं नाचे आपको मारूंगी। हाँ दो अंडे बहुत है, ज़्यादा बना दो इधर, पता चलो दो ही बना दो बहुत है। अच्छा अब क्या डालेंगे आप इसमें? अगर अभी से सफाई करना शुरू कर दोगे तो क्या होगा? हम ओसीडी फ्रीक हैं बहुत। ओए हाय ऐसा पराठा मैंने बनाया, तुमने भी बना के दिखाना फिर बाद में मुझे। मैं ये बता दूं, मैं ब्रेक में बनाऊंगी। व्यूअर्स को बताना है रेसिपी, बतानी जरूरी है। हां रेसिपी बनाए बताओ ना प्रॉपर तरीके से और उर्दू में। शेफ अमार आपको आज ऑमलेट बनाना सिखाएगा।
नहीं सही बनाया। अच्छा भला पहली बार बना रहे हो यार, सही बन गया। अल्लाह माफी दे। इसमें प्याज भी डलेगा। अल्लाह इस ऑमलेट को जन्नत अल फरदौस में इसमें प्यार भी डलेगा। अच्छा बनाया यार, खुदा का नाम लो। उसकी हालत देखें। हाँ अभी ठीक करूंगा, फिक्र ना करो, इसको अभी लाल करूंगा इसको। प्याज होने तो दे, धनिया, लाल मिर्च, लाल मिर्च भी थोड़ी सी। दिस इज देसी स्टाइल, ये देसी स्टाइल है। चीज भी चीज डाल देंगे फिर हम। चीज डाल चीज भी डाल सकते हैं साइड पर। और हम इसमें ब्लैक यार, मुझे ये जो कह रही वो कर रहा हूँ यार जो। अच्छा तो अच्छा, वैसे हमारे घर देसी घी चलता है। देसी घी चलता है तो घी है वो, देखो देसी घी। ये देसी घी नहीं डालेंगे, ये कंजूस है। ये देसी घी है नहीं जी, मैंने किसी ना किसी देसी इंसान से हमने खरीदा तो देसी घी हो गया। हल्की फुल्की चीजें मैंने डाल दी है इसमें, टमाटर, पहले इसको सिलांट्रो। सिलांट्रो नहीं है ऐसे, सिलांट्रो नहीं होता है, धनिया होता है बड़ा, तो सिलांट्रो दा। और अच्छी तरह इसको फेंट के हम इसमें फेंटिंग हो गया कि मेरी वाइफ को कितनी गर्मी लगती होगी, उसकी स्किन कितनी बर्न होती है। अल्लाह प्लीज उसकी शक्ल देखे, प्लीज इधर ये देखे, ये इन्होंने किया। अल्लाह मैं भी सही कर रहा हूं, मैं जरा दिखाना चाह रही हूं कि ये सही कर रहा हूं। वो कहते हैं ना, तो ठूंगे और खरूंडे मार रहे, ना करे उसका हाल इतना खराब। यार बाद में मैंने खाने कितना खूबसूरत पराठा जाहिर है, क्योंकि उसका हमने मुंह छुपा दिया। ये एक्चुअली जो मैंने ऑमलेट बनाया, ये आपके जो प्रोड्यूसर हैं नईम भाई, उनकी बर्थडे के लिए बनाया है। तो पराठा भी, वो भी हमारे लिए बना। नईम की बर्थडे, निम्मू की तरह उसको विश करते हैं, गाते हैं नईम के लिए हैप्पी बर्थडे। जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है। इधर आओ ना नईम, हमारे पास आओ यार। आए भाई के बाद जुगन कासिम का अजीबोगरीब सा चिमटा। आओ यार आओ, कोई बात नहीं, तुम्हें कपड़े भी आज सालगिरह वाले पहने हुए आज। खैर भाई, इसको तोड़ देंगे, ये बहुत प्यारा बच्चा है जी। ये हमारे शो के पापा हैं और दूसरे पापा अभी नजर में। बिल्कुल अल्लाह माफी दे दो, बस तकफार मेरी छोटे बेटों की तरह। ये पराठा मैंने खुद बनाया। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब गरम चिमटा नाक पे लगा, चले आप, चले जाए बाप, चले जाए। मैं ऑनर बताता हूँ, ये बहुत अच्छा बच्चा जी, और ये मुझे पता नहीं कैसे कैसे उठा लेते हैं, उठा लेते हैं बस। हाँ, उठा ले मत। हमें सुबह उठाना बड़ा मुश्किल है, हमें अदला बदली कर लेते हैं। चूल्हा अंडा बहुत अच्छा बनाता है। बाय द वे नईमुल हसन डेली ऑमलेट या कोई ना कोई खाने की चीज नोश करते हैं सेट पे आके। मुझे तो लगता है पापा ही खाएंगे, इतना मोटा रोबड़ा जैसा जो यार, जितना मोटा आपने वो बनाया था, मैं तो इसके दो करता। चले बनाए फिर दो उसके। मेरी वाइफ नहीं बनाए, दो बनाए बनाए इसको दो करो ना, मैं बना के देता हूं। वो क्यों करे दो यार, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे यार। मैं हम आपको दो क्यों, आप हाथ हफ्ते के हफ्ते धोते हैं। पापा खाते हैं दो पराठियां मगर छोटे साइज की, चीज भी डाल देते हैं इसमें हम। ये डन, क्या कहते हो? वैसे असल में वहाँ पे खाना बनाते हो? ऐसे मुझसे काम करिए जैसे मैं तंदूर होता था पहले। हम ऐसा करेंगे ना, नेक्स्ट टाइम आई विल मेक कढ़ाई फॉर यू गाइस। मैं कढ़ाई बोल रही हूं, आप बता रहे हो तुम। आपके पास चिकन नहीं है, इसको छोटा करते हैं। नहीं चिकन इस वक्त नहीं है, लेकिन अगर चिकन होता तो इन चीजों से बना लेते कढ़ाई। तो बिल्कुल बन जाना चाहिए, हैं बिल्कुल बन जाना। अच्छा वैसे एक बात है, बाहर रह के सबसे ज्यादा किन चीजों को मिस करते हो? मैं खाने को बहुत मिस करता था। बड़ा मुश्किल काम है ये, औरतें करती हैं बहुत बहुत खाने को मिस करती। ये औरतें सिर्फ नहीं करती, हेलो अब्बा को थोड़ा वॉक करो। मैंने भी किया ये काम, मजबूरी से कुछ करा रही हूं। ऑमलेट का भी मैंने बेड़ा गर्क कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसा करें ना, इसको तोड़ दें, इसको तोड़। मैंने बिल्कुल नहीं इसको तोड़ना, मैं क्यों उसको तोड़ूं, मैं इसको जोड़ूंगी थोड़ा सा ये वाला डाल के एलपी की तरह। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं बड़ी एक्सपर्ट हूँ खराब खाने को फिक्स करने वाली। सही करो इसको। आपके गेस्ट आते हैं वो खाना खराब करते हैं और आप ठीक करते हैं। नहीं ये अभी आपने तो खाना मेरे ख्याल से ठीक ही बनाया, इस समय इस लड़के के ऊपर डाउट है कि क्या बना रहा है हमारा। मैं करूँ इसको फ्लिप, ये लो। वेरी नाइस, ब्रेक आ गई ना यार। तुम देखो मैं कैसा बना, वारिस बेग के वायात शकल के पराठे कोई देखे, तुम मेरे जैसे बना के दिखाना अभी। इतनी तो बातें कर रही है ना, इतना मनहूस सा पराठा मैंने। ये देखे जरा, ये इनका अजीब फुर्तीला सा पराठा जो है, ये पराठा है। और यार देखो मैं तो पराठे बनाने वाला बंदा लगता हूँ तुम्हें। नहीं आप सारे काम करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आप आउट ऑफ द वे जाके लोगों को मीडिया में भी गाइड करते हैं। प्लेट ही दे दो यार। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मैंने अपनी वाइफ से सीखा है, जो वो करती है वो कर। मेरी औलाद ने तो बहुत ही अच्छा ऑमलेट तैयार कर दिया। प्लीज कैमरा को पैन कीजिए उसके ऊपर ऑमलेट को, एंड सी मैंने कैसे परफेक्शन से बनाया है।
और ये देख ले और आपने कितना अच्छा उसको फ्राई किया है। इस मस्कीन से पराठे जो आधा आधा उस पे घी लगा हुआ है और आधा उस पे घी। यार तुम्हारा घी ठीक नहीं है, पराठा मैंने मेरा घी ठीक नहीं है, मेरा कौन सा घी है, गाय का घी निकलता है, मैं तो नहीं पराठा मैंने ठीक बनाया, घी तुम्हारा ठीक नहीं है। मैं लग रहा है आज मैं आग लग जानी है। ये पराठे की शेप देखें यार, देखो नया बना रहा हूं, देखो ये अच्छा वो तुमने बनाया अच्छा, ये मेरा दूसरा पराठा जरा देखें उसकी शक्ल, जिससे उन्होंने कहा था कि मैं आधा बनाऊंगा, ये प्लीज ये जरा यार भी बना रहा हूं, ये देखें जरा हालत इसकी, इसी वाहियात मोमेंट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और लग रहा है मैं किसी किंडरगार्टन की पराठे की शक्ल देख ले अभी। एक सेकंड है, आप सब होने रहे, ये आप ऐसा पराठा ये बना के दिखाएं मुझे अपने हाथ से, फिर मानूंगा। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक में मैं पराठे बनाऊंगी। अपना मॉर्निंग शो का थीम सॉन्ग बना दें और बस उसको प्ले करते रहें। व्हाट अ ब्यूटीफुल मेलोडियस वॉइस, माशाल्लाह इतना ठहराव आवाज में, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, मतलब अभी सिंगर से पहले ही हमारा बच्चा आर्टिस्ट बन गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी अच्छा गाते हैं। थैंक यू। लेकिन लेकिन हमने सोचा कि एक लंबी जुदाई के बाद जब बाप और बेटा साथ फिर से मिल गए हैं तो फिर से उनको उस जुदाई की याद दिलाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जुगन में अजीबो गरीब हरकतें तो हमने करनी होती हैं। बिल्कुल। तो वारिस बेग साहब, आपका बेटा अभी अमेरिका में है, आप सोचे कि आपका बेटा अभी भी अमेरिका में है और आप उससे अपनी दिल की बात करना चाहते हैं। देखिए आप हमेशा उसको फोन करके डांट के कहते हैं वापस आंदा है कि नहीं, मैं लता भरना के नहीं, अब हमने बात फर्क करनी है। नहीं, अब तो फोन पे बात होती है, अब तो फोन ही फोन भूल जाए, आपने लव लेटर लिखा, पुराने दौर में चले जाए, पुराने दौर में चले जाए अपने आप, उस दौर के आप और मैं हैं इसलिए क्यों उठना बने आप। चलिए अब हमने लव लेटर लिखना है अमार को और अमार आपने अपने अब्बू को खत लिखना है, जो भी मतलब कोई दिल की बात करनी है। मैं रास्ते में पापा को ये कहता था कि जो आपसे जुगन खाला करवा सकती हैं वो कोई नहीं करवा सकता पाकिस्तान में, तो हम ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं। मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई कि मैं इसके इसको 15 साल पहले इंटरव्यू इसका मैंने दे दिया। हाँ। ये मुझसे बहुत बड़ी ये मेरे ये और ये अब मेरे झांसे में आ चुके हैं। चले आए हम लव लेटर लिखने लगे हैं अभी बाप बेटे को भी, हम हमेशा जो मोहब्बत बड़े जुगन इससे लिखवा लो। नहीं क्यों इससे लिखाऊं, आए जरा हम बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे, इधर आए। ओके तुम अपना काम करो, आप अभी अमेरिका में है, अच्छा आप चीचा वतनी में है। ओके मैं लिखता हूं अभी, असल में मसला पता है क्या है, अच्छा वारिस बेग एक ऐसी जनरेशन से बिलोंग करते हैं, बल्कि जनरली जब इंसान इतनी मेहनत करके एक सर्टन लेवल पे पहुंचता है, क्योंकि आप अपनी सारी एक्सप्रेशन अपने म्यूजिक और अपने सॉन्ग्स को दे देते हैं, होता यह है कि जो एक इमोशनल एलिमेंट होती है ना उसको थोड़ा सा आप साइड पे कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज वारिस बेग अपने बेटे के साथ अपने दिल की बात करें, वो बात कहें जो अक्सर कहने का सोचते हैं और फिर सिचुएशन नहीं बन पाती या मौका नहीं मिलता। अमार को हमने खुली छुट्टी दे दी है कि पुत्र तू जो लिखना लिख दे, जरा मैं भी देखूं। मैंने पहले उसका पढ़ लिया कि उसने क्या लिखा है और ये देखते हैं। अच्छा लिखा जा रहा है और बड़ा एक इंटरेस्टिंग मरला गुजर रहा है। मेरे ख्याल से हम जरा किचन में जाके एक चाटी मार लेते हैं कि किचन में बनॉफी पाए जो बन रहा है, बनाना टॉफी पाए जिसको हम कहते हैं, वो कैसे बन रहा है। इधर हम जरा एक जाती डालते हैं। नाजिश क्या किस तरह हमने बनाया है इस पाए को? हमने सबसे पहले कैंडी बिस्किट्स लिए, कोई भी आप ले सकते हैं, उसके अंदर शुगर बटर ऐड किया, उसको क्रश करके उसके बाद इसके नीचे लेयर लगाई हमने, फिर बनाना की लेयर्स लगाई। अच्छा। उसके ऊपर व्हिप क्रीम और रेगुलर जो हमारी क्रीम होती है हैवी क्रीम, उसको व्हिप करने के बाद हैवी क्रीम को अंदर मिक्स किया, देन शुगर पाउडर मिक्स किया, उसको हमने फिर लेयरिंग करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर टॉफी कैंडी कैरमल जो भी हम बनाएंगे, यस उसको हम करके इसके ऊपर गार्निश करेंगे। अच्छा अभी इसके ऊपर एक कैरमल का लेयर भी जाना है, yes, तो कैरमल का लेयर किस चीज़ से बनता है? शुगर, आप शुगर लें इजीली पैन में उसको रखें, उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करें, जब वो ब्राउन हो जाएगी शुगर उसके अंदर आपने लाइट सी क्रीम ऐड करनी है, उसको अच्छी से थोड़ा सा कुक करेंगे, ठंडा होने देंगे, जब ठंडा होने देंगे तो वो कॉफी कैंडी की तरह बिल्कुल उसकी लेयरिंग बन जाएगी, देन आप उसके ऊपर डाल देंगे। तब तक हम इसको जो है फ्रीजर में डाल देते हैं ताकि ये कूल डाउन हो जाए और नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि हम इसकी लेयरिंग बना के इसके ऊपर डालेंगे और बनाना टॉफी पाए आपके साथ शेयर करेंगे। लो जी अमार साहब ने तो फास्ट इतना छोटा खत जिंदगी में कभी किसी ने अपने, मैंने अमेरिका रह के एक चीज सीखी है कि काम की बात करनी चाहिए बस सीधी सीधी, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। अच्छा तो मतलब ये आपके दिल की बात है? मेरे दिल की बात, दिल की बात नहीं है, बाहर पढ़नी है बट जस्ट फॉर फन। उधर देखो उधर खताबत हो रही है। उफ, मुझे तो काफी अरसा हो गया उर्दू पढ़े हुए।
तो अच्छा मुझे भी नजर आ रहा है कि वहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारी मामा तुम्हें बहुत मिस करती हैं। अच्छा। तो पता नहीं शायद ये भी मिस करते हैं कि नहीं। अच्छा कितने एक्सप्रेसिव हैं? बिल्कुल मतलब अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। देखो एक तो होता है ना कि बताना कि तुमने ये करना है तुमने वो करना है जो बाप प्रैक्टिकली बताते रहते हैं। क्या व्हाट डू यू कॉल योर फादर? अब्बू पापा? पापा डैड। हाँ अच्छा तो डैड जो है क्या वो आपको मतलब बताते हैं कि बेटा आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू तुम मैं तुम्हें मिस करता हूँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ जिस तरह माएँ करती हैं? मामा बहुत एक्सप्रेसिव वो हग्स एंड किसेस। हाँ वो तो कचीचियों वाला प्यार करती है ना। मतलब उनको ऐसे बैठे बैठे लाड मेरा पुत्र मेरा हमारी माँ सदके। हाँ पापा का थोड़ा डिफरेंट सीन है। पापा की पापा अप्रिशिएट करते हैं एब्सोल्युटली मगर वो भी जब हम वहाँ पे थे गवर्नर ऑफ मैरीलैंड मेरी उस पर दिखाता हूँ आपको वो अवार्ड भी हमने देख रहे हैं। अभी वो एक लंबा सा प्रेम पत्र अपने बरखुदार के लिए लिख रहे हैं। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद आके आपके साथ नहीं खत्म करें ना लेटर। अच्छा। लेटर तो खत्म करें वो बीच में को आधा पत्र भेजेंगे तो बच्चा परेशान हो जाएगा पढ़ के कि अब पापा ने बाकी का क्यों नहीं लिखा। जो मेरा लेटर है वो पढ़ के पापा परेशान हो जाए इंशाल्लाह। हमारी कोशिश यही है कि इनके अंदर से हम कुछ इमोशंस और सेंटिमेंट्स निकालेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे बाप बेटा ब्रेक के बाद अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे और फिर अमार का एक सॉन्ग भी हमने लेना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। भाई क्या बात है खतो किताबत भी हो गई ब्रेक से पहले। तो अब ऐसा करते हैं कि खतूत पढ़ते हैं एक दूसरे के लिए। पहले आप आ जाओ नहीं बल्कि आप रुक जाए जरा पहले आप आ जाए क्योंकि मार पिटने से पहले हम ये काम कर लेना। आप चाह रही हैं कि मुझे लाइव ऑन एयर पापा से मार पड़े। अच्छा सलाम डैड। सलाम डैड। अस्सलाम वालेकुम। मैंने इंग्लिश में लिखा ना। हाँ चले बताइए। आई हैव फाउंड माय सेल्फ अ वाइफ। मैं अपने लिए बीवी ढूंढ चुका हूँ। टू द पॉइंट सीधी बात। अच्छा ठीक है। प्लीज सेंड मी 3 डायमंड सेट्स। 3 डायमंड के सेट फॉर हर। फॉर हर विद योर ब्लेसिंग्स। अच्छा हाँ देखिए ब्लेसिंग्स भी जरूरी है। 3 डायमंड के सेट और साथ में ब्लेसिंग। या मैं ब्लेसिंग दे सकता हूँ या डायमंड दे सकता हूँ या चुपेड़ मार सकता हूँ। अच्छा आपने एक्सप्रेशन पे गौर करना है। ओह 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 एंड एक बाद में ख्याल आया। ओह एंड 6 बेडरूम लेक हाउस। हाँ के लेक हाउस पे ताकि जब बच्चे भी हो आगे से और फिर कभी गेस्ट भी आए आप लोग भी कभी विजिट कर सकते हैं। विजिट करना है भाई बहन भी आते हैं। ये सारा जो तुम्हारा लेटर फॉर माय वाइफ एंड आई इट्स नॉट अ लेक हाउस इट्स अ फेक लेटर। सी यू सून योर सन अमार बेग। अमार बेग इसलिए तो वापस बुलाया है मैंने इसीलिए वापस बुलाया। अच्छा चले उसने तो अपने दिल की बात कह दी आपको। आइए दिल की बात की मजाक मैं भी आ जाऊं। हां मैंने लिखा अस्सलाम वालेकुम अमार मुझको तेरा खत जो मिला है हर लफ्ज में चेहरा तेरा है। यानी कि वो जो उसने आपको खत लिखा है उसके रिस्पांस मुझे नहीं पता उसने क्या लिखा। मैं तो अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। कागज में भी खुशबू तेरी ही फील कर रहा हूँ। नहीं वो उसकी होने वाली बीवी की। और तुम्हारी माँ मामा तुम्हें बहुत मिस कर रही हैं करती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तुम जल्द वापस आओगे। हमें सबको तुम्हारा इंतजार है कि तुम इस ईद पर ज़रूर आओगे। उम्मीद करता हूँ इस ईद पर हम सब इकट्ठे होंगे। अल्लाह तुम्हें जिंदगी और कामयाबी अता करे। लव यू योर सन आमीन। योर फादर नॉट योर सन। थैंक यू। मैं सदके जाऊं। अच्छा वो चिपट रहा है बाप को और बाप जो है ना वो अकड़ा हुआ है। ऑकवर्ड ऑकवर्ड मोमेंट। ये जो पाकिस्तानी फादर की प्रॉब्लम है ना बेटा गले लगा रहा था बाप ही। बात सुनो उसने बातें ऐसी की हैं कैसे करके। अच्छा तो अमार अब मेरे ख्याल से कुछ गाने की तरफ भी हमें आगे बढ़ना चाहिए लेकिन उससे पहले मुझे जल्दी से ये बता दो कि हॉलीवुड में गाने बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? थ्री सॉन्ग्स राइट टू इंडिपेंडेंट आपके एंड वन योर। मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। मैं मेरे पापा और मेरा छोटा भाई मारूफ हम साथ गए। इट वाज हमने काफ़ी फन भी किया बट बहुत प्रोफेशनलिज्म है वहाँ पे। स्टूडियो सेट्स प्रॉपर तरीके से हायर करना। उनमें से जो फर्स्ट सॉन्ग था मैंने उसको शूट किया अपने पापा को और हमने इकट्ठे मिल के ये जो अभी परफॉर्म करने लगा ये वाला। एंड देन दिस इज़ वर्थ एक और स्पेशल एक फादर सन डुओ। इसकी जो मॉडल है वो भी बड़ी वो उसने किसकी थी इस गाने में जो इस विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल को मैं बनाने बहू नहीं बना सकती उसी को बहू बनाना चाहिए सारी जिंदगी खुश रहो। मतलब कि सारी जिंदगी मैं नहीं मेरे घर वाले मेरे मैं तुम्हें बहुत अच्छा मशवरा दे रही हूं बेटा। ये वाली खाला जो है ना तुम्हें वो मशवरा देगी जिसमें तुम खुश रहोगे। मैं नहीं खुश रहूंगा बाकी वो मशवरा देंगे जिनमें ये खुश रहेंगे। मैंने अपने बच्चे को खुश रखना है मेरे दोस्त यार भी खुश रहेंगे। अच्छा हाँ ये बड़ा मैं अकेला खुश रहना चाहता हूँ। अकेला खुश रहना चलो ठीक है फिर मैं ये सॉन्ग
मैंने वहाँ पे शूट किया. आई होप यू लाइक इट. अच्छा, एंड बाय द वे, जो सॉन्ग्स अमार ने बनाए हैं और जब इनकी वीडियोस रिलीज होगी तो व्यूअर्स, हाँ, ये हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज हमारे प्लेटफॉर्म पे ही आके रिलीज कीजिएगा, ताकि हम आपको वीडियोस भी दिखाएं और साथ में सॉन्ग्स तो आप सुन ही रहे हैं. लेकिन देखिए, अब ऑडियो विजुअल जमाना है. जब दिखने में मजे की चीज मिलती है तो सुनने का उसका और ज्यादा मजा. आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग. मुझे पापा ने कहा था कि आप लाइफ में आपका फर्स्ट इंटरव्यू जुगन करेंगे इंशाल्लाह. वो भी हुआ था और वो लॉन्च भी इंशाल्लाह हम इधर ही करेंगे इंशाल्लाह. डेफिनेटली. ओवर टू यू माय डार्लिंग. अब हम आपको सुनते सुनते ब्रेक में जाएंगे. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. बोर्जान सिर्फ जूते नहीं बेचते बल्कि एक वाइड वैरायटी ऑफ ट्रेंडी बैग्स भी हैं जो इनके पास होते हैं. उसके अलावा कैजुअल वेयर ज्वेलरी है, कलरफुल स्कार्व्स हैं और मर्दों की एक्सेसरीज भी हैं. बोर्जान की एक वाइड ऑनलाइन प्रेजेंस है. कस्टमर्स जो हैं वो अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं बोर्जान की वेबसाइट पे www.borjan.com.pk पे. कस्टमर्स जो हैं अगर उनके कोई सवाल हैं, कोई क्वेरीज हैं तो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बोर्जान को थ्रू देयर सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बोर्जान शूज के नाम से, और आपको असिस्ट किया जाएगा हेल्पलाइन के थ्रू. उसके अलावा गिग जो है वो बोर्जान की सब ब्रांड है. मर्दों के फॉर्मल शूज हैं, पर्टिकुलरली कॉम्प्लीमेंट करते हैं फॉर्मल अटायर को. स्लिपॉन्स और लेस अप्स जो हैं वो ऑफिस, वेडिंग्स और इनफॉर्मल जगहों पे भी पहने जा सकते हैं. सो कुछ तहफ हैं अमार आपके लिए बोर्जान की तरफ से एक. हाँ जी आइए, ये आपके लिए एक गिफ्ट है और वारिस बेग साहब आपके लिए भी एक. अमार को नहीं मैंने पकड़ा, आपकी वाइफ की बर्थडे है तो हम आपको ये उनके तरफ से एक गिफ्ट देना चाहेंगे बोर्जान ने, और एक गिफ्ट मेरी तरफ से भी अपनी सहेली के लिए. सो आइए जरा वो भी आप तक मैं पहुंचा दूं. एक अमानत, आपको पता है मैंने अपनी स्किन केयर की लाइन शुरू किया है नूर, तो ये भी आपकी वाइफ के लिए, आपके लिए नहीं है. ये बहुत अच्छी जा रही है इसलिए ले रहा हूँ, वरना मैं यूज लेता हूं. ट्राई जरूर करना है हमारे, बल्कि आप मुझे सच्चा फीडबैक दे देना. बाय द वे माय प्रोडक्ट्स आर फॉर मेन एंड वुमेन, दे नॉट, इट्स नॉट अ वुमेन्स लाइन, बिकॉज़ ऑर्गेनिक चीजों का फायदा ये होता है कि मर्द औरत दोनों यूज कर सकते हैं. अच्छा, अब एक मेजर काम आप दोनों से करवाना है और वो ये है कि प्रोग्राम की क्लोजिंग में हम यूजुअली फैंस के लिए पैगाम लेते हैं, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो मैं चाहूंगी कि एक दूसरे को क्या कहना चाहेंगे, कोई ऐसी बात जो कभी नहीं कही, जो दिल में थी, आज व्यूअर्स के सामने, दुनिया के सामने कह रहे. बस यही कि वैसे तो इसको मैंने कभी नहीं कहा कि जो रास्ते इसने चुना है इसके लिए इसको हमेशा ऑलवेज मेहनत करनी पड़ेगी. अगर ये चाहता है कि उस मुकाम पे जाए जो जहाँ कोई ना कभी पहुँचा, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. वो हमारे कायद भी ये कह गए, काम काम काम, सिर्फ काम, इसी को फोकस कर ले. डू यू थिंक के अमार अपने आप को एक लेजेंड के लेवल पे, एक लिविंग लेजेंड के लेवल पे लेके जा सकता है? बिल्कुल लेके जा सकता है, लेकिन उसके लिए से क्या करना पड़ेगा? मेहनत तो अपनी जगह, और सच्चाई से जो भी काम करे सच्चे दिल से, सच के दिल से करे, तो फिर इंसान कभी भी रुकता है, अल्लाह ताला उसके साथ हो जाते हैं. अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद करते हैं. व्हाट अबाउट यू? देखो अबू ने बड़ा पुश करके आपको बुलाया पाकिस्तान, ठीक है आपका दिल भी था आने का, लेकिन मैं भी जानती हूँ कि जब आप बाहर रह रहे होते हो तो एक कन्वीनियंस होती है, आप अपने अंदाज से ज़िंदगी जी रहे होते हैं. अगर आप फॉर एग्जांपल अपने करियर पर फोकस करें तो आप करियर पर ही फोकस कर रहे हैं, दोस्तों यारों में थोड़ी देर बैठ लिया और फिर काम ही चलता रहता है. लेकिन जब इंसान पाकिस्तान में होता है, फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, बड़ी जगहें होती हैं जहाँ पर, जिस तरह अब्बू को मैरीलैंड में अभी ऑनर दिया गया, तो डेफिनेटली आपको भी जाना पड़ा होगा, भाई को भी जाना होगा, खुशी से गए होंगे, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए कमिटमेंट्स बहुत बढ़ जाती हैं काम के अलावा, बिल्कुल, और बंदा थोड़ा सा डिफोकस हो जाता है, क्योंकि हम एक बड़ी मिलनसार कौम है. हाँ जी. अब हर जगह योर फादर इज इनवाइटेड, योर मदर इज इनवाइटेड, ऑब्वियसली एक लेजेंड है, जब जाते हैं तो फिर ये भी कहते हैं कि जी बच्चों को भी लेके आए, और जो ऑब्वियसली एक तरह से गद्दी नशीन है अगला, उसको भी वो लेके आए साथ. सो व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फादर? कभी मौका नहीं मिला ऐसे बताने का, बट मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में सब कुछ है. आई जस्ट वांट टू मेक देम प्राउड. उन्होंने इतनी मेहनत किया हमारे ऊपर, सो आई थिंक इस मेरा टाइम है उनको रिटर्न करने के लिए वापस. तो मेरा मैं कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा स्लैक कर देता हूँ बीच में, बट मेरी कोशिश होती है कि अपने मम्मा पापा को, क्योंकि आज जो भी उनकी वजह से हूँ, तो उनको प्राउड करूँ. एंड अब मैं, पापा ने बहुत मेहनत की है, मैंने उनको सारी ज़िंदगी देखा है, बहुत स्ट्रगल किया है. जब हम छोटे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, पापा
शो करते थे मुल्तान से, कभी एबटाबाद से, सुबह रात को गए शो करके सुबह तक वापस आ गए और हमें घर, हमें स्कूल छोड़ा है एंड देन घर आके फिर अपनी नींद पूरी किया है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बातें बनके मुझे हॉन्ट करती हैं। इस एज पे आके हमें एहसास होता है, जब छोटे होते हैं ना, तो इसलिए लाइक माय फ्रेंड सेड यस्टरडे कि देखो तुम माँ हो हमजा की, तुम उसकी दोस्त नहीं हो। जब तुम माँ बन के आगे चलोगी तो दोस्ती यारी जो है वो बाद में हो ही जाएगी। ओके गाइज, आपका जो डुएट है हम वो सुनना चाहेंगे। द फ्लोर इज योर्स गाइज। और आर यू गोना जॉइन अस? आई विल, आई विल, दैट वुड बी अमेजिंग। ही विल जॉइन यू। मेरा की आप तो आज मैं बाद में आऊंगा वो, अच्छा मैं पापा की एंट्री बाद, पापा की एंट्री बाद। ओ डियर, अगर आपको देखे गंगा तो और सूर अच्छे हो जाएंगे, एक्सप्रेशन भी अच्छे हो जाएंगे। वेरी